मॉग। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ अमृत के साथ। अभी हम लोग निकले हैं तुरंत घर से, अभी हम लोग जस्ट निकले हैं और नवरात्र हम वही मनाएंगे। अब हम दोनों 9 दिन व्रत रहने वाले हैं, ये तो मुझे पहले से ही रहता है, मैं भी पहले रहती थी पर बीच में मेरा गैप भी बहुत सारा हो गया। अब हम लोग दोनों लोग एक साथ वहीं पर नवरात्र मनाएंगे और आप लोग भी हम लोग साथ रहिएगा। ये देखिए कूड़ा घाट में कितना जाम लगा हुआ है क्योंकि सब लोग निकल ही रहे हैं, नवरात्रि की तैयारी कर रही है सब लोग, अपना चुंदरी माला ये सब हम लोग भी यहीं से खरीद के लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसानी से मिल सकता है, लोकल मार्केट है यहाँ पे, वहाँ फिर पता नहीं कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो है सिखावली। देखिए कितनी भीड़ है और इसमें बज रहे हैं शाम के 6, हम लोग 6 बजे करेक्ट निकले हुए हैं ताकि हम लोग कितने बजे 11-12 बजे पहुँच जाएंगे, लगता है 11-12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ठंडा भी रहेगा मौसम भी थोड़ा सा रात को निकलने से और भीड़ भी आगे चल के कम मिलेगी, अभी तो है लेकिन हो सकता है और आगे हम जाएँ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए हम शाम को चलें कि मौसम भी ठंडा रहेगा। बारिश हुआ है ना तो ये हाईवे खराब हो गया, बहुत डूब गया, अभी आ रहा था ना अच्छा। और पीछे इधर कुछ सामान है, कुछ डिग्गी में कोई पड़ा हुआ है, मेरे आने की वजह से थोड़ा ज़्यादा सामान हो गया है क्योंकि कुछ पूजा का भी सामान हम रखे हैं अपना और अपना कपड़ा वपड़ा, इसकी वजह से, और लेडीज जाती हैं तो वैसे ही सामान थोड़ा बढ़ जाता है कि नहीं। हाँ मम्मी बर्तन भी ज़्यादा रखे हैं, बर्तन भी रखे हैं क्योंकि इनका सब बर्तन नॉन वेज वाला है और फास्ट में फिर उसमें हम लोग बना नहीं सकते हैं तो मुझे कुछ बर्तन भी रखने पड़ेंगे और कम होगा तो उधर से कुछ ले लेंगे। और आप कुछ करना चाहते हैं अमर, आपको कैसा फील हो रहा है मम्मी जा रही है साथ में? ऐसा तो नहीं सोचा, काश बगल में मेरी बीबी भी रहती। बिल्कुल नहीं, हाँ पता ही नहीं। लाइट लेकिन अच्छी लग रही है। गुड्डे भी चले थे सुंदर सुंदर गुड्डे। उड़ाता चला गया मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया को दुए में उड़ा स्ट्रीट लाइट पे। सही हो, अभी जल नहीं रहा पता नहीं क्यों, ये पूरा जलता है, पूरा वो है। हां अच्छा, ये जो दिया जैसा बन नहीं, ये पूरे पोल पे भी लाइट लपेट है। हां खराब हो गया होगा, यही सब है ना, भी जलता है। अच्छा यहाँ एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है कहीं। हाँ हाँ बीच में कहीं है, राम जी का है, सीता जी का भी बीच फोर लेन में बना। हाँ तो आगे नहीं हो, पेड़ भी बहुत सुंदर सुंदर लगाया गया, खजूर का पेड़ अच्छा दिख रहा है। होटल ही होगा ना? हाँ बहुत होटल बन गया अब तो। हाँ बहुत सुंदर सुंदर, अयोध्या अयोध्या होगा। हाँ ये आला सा, हाँ अब जलने लगा है इस पूरा भी जल गया वो भी। हाँ इसमें बहुत सारा खराब हो गया, फिर क्यों त्योहार व्योहार आएगा तो उसमें लगाया होगा कि सब साइड में तो बिल्कुल नहीं जल रहा, इधर एक आध में जल रहा है। पेट कैसे भर गया गाइस? पेट भी भर गया है। गाड़ी चलते चलते मैं खाना खा लिया, हम लोग मम्मी खिलाते गई, हम खाने के मम्मी भी खा ली, हम भी खा ली।
हाँ हम उधर से चिल्ली पनीर बना के लाए थे और घी लगा के रोटी, वही हम लोग खा लिए चलते चलते। अरे ये माता रानी भी जा रही है, माता रानी की मूर्ति जा रही है, दिख तो नहीं रही है, लग रहा है ठके हुए थे सब। हाँ तो बच्चे पूरे ऐसे घेर के रखे हुए थे। हाँ तो आज कल नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो आज मूर्तियाँ जा रही हैं लगाने के लिए। ये हम लोग आ गए आज, अब क्या लिखा है जी, आजमगढ़ बता रहा था, अम्बेडकर नगर। ओ अम्बेडकर नगर ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ से जितना दूर बनारस, हाँ यहाँ से उतना ही दूर लखनऊ, उतना ही दूर गोरखपुर लगभग, मतलब अच्छा एक बार 40 किलोमीटर का, यही आगे से रोड गया वो निकल जाते हैं वहाँ। ओ तो तीनों डिस्टेंस यहाँ से लगभग बराबर ही पड़ता है, बनारस लखनऊ और गोरखपुर 20-30 किलोमीटर का ऊपर नीचे। हम लोग लखनऊ पहुंच गए गाइस, मम्मी कैमरा पकड़ो। हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, इतना सुंदर, शायद उतना बढ़िया कैमरे में नहीं आ रहा है क्या, इतना बढ़िया है ऐसा क्या बात है, बढ़िया नहीं नहीं जो इतनी तरिया दिख रही है ऐसे बहुत सुंदर दिख रहा है सामने से, और पता नहीं कैमरे में उतना मुझे जम नहीं रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, और यहाँ से मेरे ख्याल से 1 घंटे का और रास्ता होगा, हाँ 1 घंटे में हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। मुझे को विश्वास हो रहा है कि मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे एक बैग मेरी तैयार हो गई, देखो पापा क्या करते हैं। सोचे भी थे कि चलेंगे, क्योंकि क्योंकि चढ़ते थे नीचे उतर के फिर वहां से टेम्पू करते थे, चले जाते थे। सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पुल बन जाएगा तो हमारे के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इधर क्या बन रहा है, इधर कुछ बन रहा है जी, ये तो पुल ही का काम है क्या, डबल पुल बनेगा क्या, देखो बीच में दिया है जोड़ रहा है इधर से इधर, पूरा एकदम जाल बुना है। हम लोग पहुंच गए इधर के पास, और यहाँ बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है, कल हम इधर टहलने आएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या बन रहा है, पुल बन रहा है क्या उधर, फ्लाईओवर और बन रहा है। और ये है अंबर का घर, हम लोग आ गए।